नमस्कार। महिला सशक्तिकरण को मैं प्रणाम करते हुए आज दिनांक 4/1/2019 को गुप्ता कॉलोनी गोला में सम्मान समारोह का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें नीम के पौधों का संरक्षण व उनकी देखभाल करने पर श्रीमती माधुरी अवस्थी, प्रबंधक माँ शारदे विद्या मंदिर गुप्ता कॉलोनी गोला को सम्मान पत्र व गर्म साथ उड़ाकर देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर श्री जगमोहन लाल जी अध्यक्ष, माँ शारदे विद्या मंदिर, रेणु वर्मा, मोहम्मद इमरान, प्रिया साक्य, श्वेता अग्निहोत्री, अंकित कुमार, इरम बानो, श्याम किशोर अवस्थी जी, महिला सशक्तिकरण को प्रणाम करते हुए आज यह सम्मान समारोह रखा गया। मैं श्रीमती माधुरी अवस्थी जी से ही निवेदन करना चाहूँगा कि आपके द्वारा देवी जी का मंदिर गुप्ता कॉलोनी में बनाया जा रहा है, जहाँ पे आप द्वारा अनुमति देकर दो पेड़ मुझसे लगवाए गए, मैंने वहाँ पर पौधरोपण किया, आपने उनका संरक्षण किया। इस अवसर पर आपको सम्मानित किया गया, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? हमने उन पेड़ को उनकी सुरक्षा करके उनको बड़ा किया है और बड़ा करने के बाद आज वो पेड़ इतने इतने बड़े हो गए हैं। और नीम के पेड़ लगाने से बहुत ही पर्यावरण के लिए सुरक्षा रहती है। नीम का पेड़ हर चीज़ में काम आता है, दवाई के भी काम आता है। अगर उसमें नीम के फल आते हैं तो वो तेल बनाने के काम आते हैं। नीम की पत्ती अगर कहीं बच्चों के खुजली वगैरह हो जाती है तो उसमें नीम की पत्ती उबाल कर उसका जल प्रयोग किया जाता है। नीम की पत्ती खाने से कीटाणु मर जाते हैं। नीम की पत्ती को अगर जलाकर तेल में मिलाकर बच्चों के लगा दिया जाए तो दाने फुंसी खत्म हो जाते हैं। इसलिए एक नीम के पेड़ लगाने के लिए राजेंद्र अग्निहोत्री जी ने बहुत प्रयास किया है और उन पेड़ों को लगाया। हमने उनको देवी माँ के मंदिर पर लगवाकर उनको बड़ा किया था। धन्यवाद। श्वेता अग्निहोत्री। श्री राजेंद्र कुमार अग्निहोत्री जी के द्वारा पेड़ लगाए गए थे, नीम के पेड़ लगाए गए थे, उसमें हमारी दादी जी ने सहयोग किया है। आज उनको सम्मानित किया गया है और ये बहुत ही अच्छा कार्य है जो राजेंद्र अग्निहोत्री जी कर रहे हैं और मुझे खुशी है कि ये मेरे पापा हैं और मुझे गर्व है कि मैं इनकी बेटी हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। इरम बानो। नीम की पत्ती से बहुत ज़्यादा लाभ होता है, जैसे केवी आंटी जी ने बताया है। कई लोग नीम की पत्ती खाने, वो औषधि में काम आती, खाने से घबराते हैं, इसलिए इसका एक उपचार है कि वो अजवाइन पहले खाने के बाद नीम की पत्ती खाए, जिससे उस नीम का स्वाद कड़वा नहीं लगेगा। श्री जगमोहन लाल जी, आपके द्वारा ये काम किया हो धन्यवाद। अंकित कुमार जी। हमारे विद्यालय की प्रबंधिका श्रीमती माधुरी अवस्थी जी एक बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। इन्होंने विद्यालय से कुछ दूरी पर अपने आवास पर एक मंदिर बनवाया हुआ है और वहाँ पे नीम के दो पौधे लगवाए। केवल नीम के पौधे ही नहीं, हमने देखा है कई वर्ष हमें यहाँ पर कार्यरत हुए हो गए हैं और आज तक हमने देखा है कि इन्होंने पर्यावरण की बहुत ही लगन के साथ सुरक्षा की है। वहाँ पर केवल नीम के ही नहीं, ऐसे बहुत सारे पौधे लगाए गए जिससे पर्यावरण और वहाँ का वातावरण बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित है, जिससे आसपास का वातावरण भी सुरक्षित रहता है। पेड़ लगाने से, पौधे लगाने से जो वहाँ पे वातावरण होता है उसकी शुद्धि रहती है। और नीम की बात की जाए तो यह एक आयुर्वेदिक औषधि है जिससे बहुत सारे रोग दूर होते हैं और जहाँ पर ये होता है वहाँ आसपास भी कोई रोग नहीं पनपते हैं। इसलिए हमारा ये मानना है कि हमारी प्रबंधिका श्री माधुरी अवस्थी जी को केवल इतना ही सम्मान नहीं, इस पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए अन्य भी तरह से सम्मानित किया जाना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद।
प्रधानाचार्य श्री श्याम किशोर अवस्थी जी। धन्यवाद बड़े भाई अग्निहोत्री जी, आपने विगत 2-3 महीने पहले 1000 नीम के पौधे लगाने का संकल्प लिया था, उसी संकल्प को जोड़ते हुए आपने दूसरा भी कार्य शुरू किया कि जो इन नीम के पौधों को संरक्षित कर रहे हैं, उन्हें बड़ा कर रहे हैं, पाल पोस रहे हैं, उनको भी सम्मानित करने का जो निर्णय लिया। तो जहाँ पर आपने पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए, जागरूकता बढ़ाने के लिए नीम के पौधों को लगाने का संकल्प लिया, वहीं पौधों के संरक्षकों को सम्मानित करने के लिए भी जो आपने एक मुहिम शुरू की, वो भी आपकी प्रशंसनीय है, सराहनीय है, जिससे समाज में पौधों के प्रति, पेड़ पौधों के प्रति लोगों में जागरूकता आएगी और उन्हें लगेगा कि जब हम पौधे लगाते हैं तो हमें सम्मानित भी किया जाएगा। तो इस तरीके से एक बहुत सुंदर सी मुहिम शुरू करी है, इसके लिए डॉक्टर श्रीमान राजेंद्र कुमार अग्निहोत्री जी बधाई के पात्र हैं। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, साथ ही इसी तरीके से समाज के लिए सार्थक सोच आपकी बनी रहे, आप समाज को जागरूक करते रहें, समाज की प्रत्येक गतिविधि में आपकी आपका सहकारिता सहयोग बना रहे और पर्यावरण की दिशा में आपका आपकी जो मुहिम है वो सराहनीय है। धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में आप सभी ने सहयोग किया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सभी से निवेदन है, स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए और खूब वृक्ष लगाइए और आसपास गंदगी ना फैलाएं। आज का कार्यक्रम मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।